वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीड म्यूटेंट। तो अभी हम लोगों ने कुछ पुराने वीडियोस भी डाले हैं जिसमें मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है, ऊपर लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वो वाला वीडियो जरूर चेक करना। तो बाकी आज की बात करते हैं। आज जो मैंने बाइक चलाई है वो मेरे को एक मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक बन गई है। मुझे इतनी पसंद आई वो बाइक क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो डर्ट बाइक से है, सो आई एंजॉय राइडिंग ऑफ रोड। तो आज की जो हमारी बाइक थी वो थी सुजुकी वी स्टॉर्म। सुजुकी वी स्टॉर्म एक्चुअली मैं मार्केट में गया, मैंने सर्च करा कि अगर हमारे पास करीब 8 लाख रुपीज है तो हमें एक ऐसी बाइक कौन सी मिल सकती है जिसे हम मैक्सिमम ऑफ रोड पे यूज कर सकते हैं विदाउट मतलब सोचे समझे और विदाउट कुछ ब्रेकेज। क्योंकि नॉर्मली आप देखते हो जैसे कि थोड़ी एक्सपेंसिव बाइक्स भी हैं, थोड़ी कम एक्सपेंसिव बाइक्स हैं, जैसे वर्सेस 650 हो गई, आपकी F900 XR हो गई, ये सारी आपकी रोड बाइक्स एडवेंचर बाइक्स होती हैं और इन्हें जब आप ऑफ रोड पे चलाते हो या भगाते हो तो बेसिकली क्या होता है, इनके जो रिम्स हैं वो नॉर्मल कास्ट एल्यूमिनियम रिम्स होते हैं, वो आपके यूजुअली बेंड हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली इट्स द बाइक हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ मेंटेनेंस पार्ट। सो इसलिए हमारा जो बजट आज का हमने जो एडवेंचर बाइक ढूंढी है वो एग्जैक्ट ऑन रोड आपके स्टेट के हिसाब से अराउंड 10 लाख पड़ती है और हमारी जो बाइक है वो है सुजुकी वी स्टॉर्म। अब ये जो बाइक है आई नो इट्स थोड़ी सी आउटडेटेड है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलता आपको, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी थोड़ा ओल्ड स्कूल है और हेडलाइट में जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से LED वगैरह नहीं मिलती। बट आई मस्ट टेल यू, अगर आप ये सारी चीज़ें भूल जाओ और उसको एज अ रॉक सॉलिड एडवेंचर बाइक ऑफ रोड में यूज़ करो और रोड पे यूज़ करो, सो इट्स अ वेरी नाइस बाइक, इट हैज अ वेरी ग्रेट राइडिंग प्लेजर। हमने उस बाइक को रोड पे चलाया, ऑफ रोड पे चलाया हमने एक दिन, ज़्यादा तो नहीं, हम फ्यूचर में देखते हैं उस पर और थोड़ा कंटेंट शूट करने का। हमने इस बाइक को काफ़ी चलाया, रोड पे चलाया, ऑफ रोड पे चलाया, वैसे तो इसका जो पावर है वो कोई इतना ज़्यादा मतलब इट्स अ वेरी हम्बल बाइक विद जस्ट 72 BHP, बट जो इसका पावर डिलीवरी और जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल लगता नहीं है कि इसमें 72 BHP, ऐसा लगता है कोई 100+ BHP वाली बाइक है। इसका टॉर्क बहुत अच्छा है और इनिशियली एक आपको जो पंच मिलता है और इसके इंजन की जो साउंड है, जो ग्रंट है, वो बहुत अच्छी है। ये ऑल टुगेदर एक बहुत परफेक्ट पैकेज है। अगर आपको मॉडर्न फीचर्स नहीं चाहिए, मॉडर्न चीज़ें नहीं चाहिए, आपका जो फोकस है खाली राइडिंग पे है, अगर आपको अपनी एडवेंचर बाइक लेके उसको ऑफ रोड पे ज़्यादा चलाना है, रोड पे कंपेरेटिवली कम चलाना है, उसको ऑफ रोड पे ज़्यादा इंजॉय करना है, मजे करने हैं, तो आपकी सुजुकी वी स्टॉर्म एक बहुत ही बैलेंस और बहुत रगेड और बहुत ही एक गुड लुकिंग बाइक है जिसको आप इनिशियली एडवेंचर्स के लिए ले जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कर सकते हैं। एंड एज यू ऑल नो एडवेंचर बाइक्स आर वे टू कम्फर्टेबल। हमने एक और वीडियो भी बनाया है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एडवेंचर बाइक्स, वो भी आप नीचे जाके देख सकते हैं या फिर ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा उस पे से देख सकते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने ऑलमोस्ट इस बजट में काफ़ी एडवेंचर बाइक्स चलाई है, जैसे टाइगर हो गई, आपकी मल्टी स्ट्राटा हो गई, बट ये सारी जो बाइक्स है इसमें जब आप ऑफ रोड वाला वेरियंट लेने जाते हैं तो वो आपका जैसे मल्टी स्ट्राटा 950 ऑलमोस्ट 17-18 लाख की पड़ती है, फिर आपकी जो टाइगर है, टाइगर भी 13-16 सब जितनी भी बाइक्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आपको एक ऑफ रोड बायस हार्डकोर एडवेंचर बाइक चाहिए, वही सुजुकी अगर आप वी स्टॉर्म देखते हो तो ये आपके बहुत बजट में है, 10 लाख में, और ये बहुत बेहतरीन बाइक है, बहुत स्मूथ चलती है,
बहुत अच्छा पावर रिस्पॉन्स है, ऑफ रोड में भी बहुत अच्छी है। और इसका जो एक और प्लस पॉइंट है वो इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो इसका प्लस पॉइंट भी है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो और आपकी बाइक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, बहुत सारे सेंसर रहते हैं, तो आपको ही मालूम है अगर उनमें से कोई भी एक सेंसर खराब होता है या कुछ भी फॉल्ट होता है तो आपको कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी बाइक टो तक करवानी पड़ती है। बट ये वाली जो बाइक है इसमें बस एक ABS है और ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ कर सकते हो, ABS को नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेसिक इस बाइक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप कहीं भी जाते हो तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें आपके स्पोक रिम्स हैं, आप अच्छे से इसको ऑफ रोड में भगा सकते हो, आपका रिम बेंड नहीं होगा। और अगर आप ऑल टुगेदर एक पैकेज देखते हो, वैल्यू फॉर मनी पैकेज है सुजुकी V-Storm, आप देख सकते हो हमने इस बाइक पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा एंड हम होप करेंगे इस पे एक लॉन्ग ट्रिप करें और आपको एक अच्छा सा वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो और बना के इस बाइक का के बारे में और बताएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।